नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल जनहित के मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा विभिन्न स्थानों से होती हुई कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। आपको बता दें कि यह यात्रा राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने ही रोक लिया गया, जहाँ बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने काली टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। टी शर्ट पर महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि से संबंधित नारे लिखे हुए थे। अनुमति नहीं मिलती तो वहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं? नहीं, आपको नहीं या पीसी से के बारे में? नहीं, हम जाना चाहेंगे, रोकेंगे तो ये बड़ी बड़ी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी गाड़ी जिसमें महात्मा गांधी का संदेश है उसको रोक रहे हैं, जब हमने विरोध किया तो वापस आए। फिर मतलब कि ये तालिबानी इनका हुक्म है कि आप नेहरू जी और महात्मा गांधी के चरणों में फूल चढ़ाओगे, कि इससे डरने वाले नहीं, हम लोग गांधीवादी और नेहरूवादी हैं, कोई गाड़ी लगा। पुलिस कह रही है यहीं पे गिरफ्तारी भी होगा। ऐसे कैसे गिरफ्तार करेंगे, हम तो जाएंगे। आज महंगाई सातवें आसमान पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, किसान और मजदूर सड़क पर है और देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। ऐसे हालात में भोपाल की और मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हमारे भोपाल के ही जागरूक विधायक पीसी शर्मा जी ने जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया है। ये एक ऐसा कदम है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए थे उनको याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि आज सब तरफ यही प्रश्न है कि जो अच्छे दिन आने की बात कही थी वो अच्छे दिन कब आएंगे, जो 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालने की बात कही गई थी वो कब डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार देने की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही थी वो कब होगा वादा पूरा, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी वो रोज़गार कब मिलेगा। इन सब बातों को लेकर आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करें और जनता को जागृत करें कि आज जो जन समस्याएं हैं उनको हल करने में भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तरदायित्व का पालन करे। मिंटो हॉल तक जाना था पर यहीं रोक दिया गया पुलिस। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी जब ये देखती है कि उनका पर्दाफाश हो रहा है, उन्हें बेनकाब किया जा रहा है, तो वो हिटलर शाही मानसिकता के आधार पर दबाने में लग जाती है। ये उसी प्रकार का एक कदम है कि जब हमारे कांग्रेस के साथियों ने भाई पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा तक जाने का आह्वान किया था तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक नहीं जाने दिया जा रहा है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा तक नहीं जाने दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान है कि उनकी जो वादे थे उन्हें हम बेनकाब करने जा रहे हैं। आज हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक लोकप्रिय विधायक पीसी शर्मा जी ने जन आक्रोश पद यात्रा निकाली है, जिसका उद्देश्य है कि जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई हो रही है, जैसे कि डीजल पे डाका डला हुआ है, पेट्रोल पे डाका डला है और राशन पे डाका डला है, गैस पे डाका डला है, तो ये सरकार निकम्मी सरकार, लोगों का जीना दूभर है, लोग खा नहीं पा रहे, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके विरोध में ये जनता के हक की लड़ाई है, सबको इसमें साथ देना चाहिए और सबको आना चाहिए और पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठा है। काले झंडों के साथ हम लोगों ने विरोध अपना दर्ज कराया है। सरकार सभी जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको वापस ले, बिजली के बिलों को वापस करे, बिजली के बिल जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनको कम करे, सरकार से यही अनुरोध है हमारा, नहीं तो ये सरकार बहुत जल्दी चली जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए जनता की आवाज उठाई जा रही है, आराम से धरना प्रदर्शन किया जाए, लेकिन महिलाओं के साथ में जिस तरह से ये सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन महिलाओं को जबरदस्ती बैंक में घुस कर जेल में डाल सकती है, ये है भाजपा सरकार और ये है भाजपा सरकार के नेता। मध्य प्रदेश आज पूरी युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.